तथा सब दर्शकों का निर्मला राजस्थानी और डीसी बाबा चैनल के ऊपर एक बार फिर से स्वागत है नया वीडियो का स्वागत। एक मायने आज आप राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र को बान बैठवा की रस्म कैसा के वो वीडियो ले रहे हैं। बान बैठते टाइम हल्दी सुमैया कचूर चंदन ऐसे को मिश्रण ले और ओखली के मायने पांच कन्या आपस के मायने मिलर और भी मिश्रण में कूटे बेका बाद में बंदरों या बंदड़ी जगह को भी बान बैठ रहे वह बन एक कुड़िया के मायने बांधे और भी तो मायने पानी मिलाए और बांध दियो जाए हाथ पीला कर जाए और सबसे पहली आ रस्म है जिसको अपने बामन दादो निभावे और बी के बाद में मम्मी पापा और फिर घर का सभी सदस्य ही बटे जी की लुगाइयाँ हुए वह गीत गावें बान का बहुत ही बढ़िया बढ़िया और बान की रस्म बटे ओखली तक नहीं करी जाए। आजकल तो ई वीडियो को मायने देख रहे हो आर्टिफिशियल ओखली हुई लेकिन पहली बड़ी ओखली हुआ करती लगे रहो जकान गीत गाता हुआ और से मिलर की ओखली का मायन अचीजन कूटिया करता और भी के बाद में बांध दिया करता। आजकल छोटी सी ओखली होगी छोटा छोटा छाछला होगा जगह बच्चे जन छाणवा के लिए काम में लिया जाए सब आर्टिफिशियल होगी ये चीज़ें लेकिन फिर भी आपने जगह संस्कृति है शादी से पहली की जगह रस्मा ही पालते हैं लेकिन आर्टिफिशियल ही होता है लेकिन फिर भी शादी की रस्मा निभाई जा रही है आते हैं और यह रस्मा अगर आगे वाली पीढ़ियों तक अपन नहीं पहुँचा से तो वह धीरे धीरे भूल जैसी और पाश्चात्य संस्कृति है बाबा को बढ़ावी जैसी और राजस्थानी संस्कृति है जिसकी बाबा दिमाग कमाए तो निकल जैसी इसलिए क्योंकि वह जान सी बनी आगा बारा कमाए तो ऐसे भी रस्मा आगे वाली पीढ़ी तक पूछा बाबा आप धर्म है। अगर थान भी है रस्मा बढ़िया लागे और अगर तेरी चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर लो और अगर ये रस्मा तन अच्छी लाग रही हैं और ये जगह गीत गाए जा रहे हैं तन बढ़िया लाग रही तो ते ई चैनल ने लाइक करो और दूसरा तक भी शेयर करो ताकि ये रस्मा राजस्थानी संस्कृति आप दूसरा लोगों तक भी पहुँचा पाओ। राम राम साहब।